न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। आप बताइए, हिंदू भाई मरते थे कितने फिसाद आते थे तेलंगाना बनने के बाद, एक भी फिसाद हुआ क्या बताइए? इतना लैंड आर्मी कंट्रोल करने वाले लीडर तो कैसे आता साहब? वो पहले से ऐसा था, वो बिल्ली के कान में चिचड़े चिचड़े तो होते ना, उन पहले पहले आए थे हमारे साथ समझे थे, वो एक अच्छा आदमी, ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी है। कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा कुत्ता होता देंगे। पर पहली मरतबा 2014 में KTR साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं, जब से हमसे दूर हो गए। तेलंगाना आने से पहले, आने के सीमी डेट बाद जब इलेक्शन आया, तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके 2 महीने में ही इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले KTR की मुखालिफत करने वाले आदमी था, जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका। पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को MLC की बात कर रहे हैं, तो उधर से कुछ कुछ जो लोग जिसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन है आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया जाए। बोलिए, मसाजिद की शहादत, कोई भी मजहबी मामलात में हर हुकूमत जब नुकसान पहुंचाती है तो हुकूमत को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब अक्सर 8-9 मसाजिद की आपके पास हिस्ट्री है, बालू बकपुर चेयरमैन साहब भी मौजूद है, तो इरखाना मस्जिद से लेके एयरपोर्ट की मस्जिद तक इन शहादतों पर आप तक की आपका कोई सवाल और जवाब नहीं हुआ आपसे? देखिए साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमने जो मस्जिदें शहीद हम उतने नहीं किए जितने बताए जा रहे। हाँ जरूर, ये खाना मस्जिद की बात कर रहे हैं जो अमरपेट में है। आप तो जर्नलिस्ट है और बहुत से और भी मुस्लिम जर्नलिस्ट है, आप बता के सब पता कर लीजिए। जब भी जब वो हमारे CM साहब को मैंने जाके इतला दिया, दाना किशोर साहब वहां पे बल्दिया के ऑफिसर थे कमिश्नर, और जो ऑफिसर वहां जो तोड़ने वाले ऑफिसर थे मुसलमान ही थे। सुबह सुबह मेरे पास आए, एक बात मुझसे कही कि साहब वो मास्टर प्लान में ब्रिज आ रहा है और वहां मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म की दुकान है, जो मुर्गियां काट के बेचते हैं, 2 मरतबा वो हमसे पैसे ले चुके हैं और वो हमने तोड़ा है, फिर भी मैं CM साहब ने नाराज हुए। नारा किशोर साहब ने कहा कि बाजू में एक जमीन है, सरा फादर पर 800 का जमीन मैं दे देना चाहता हूँ, बद्या किए आप बना दीजिए। इतफाक दूसरे दिन शाम में हाजियों का जो है रुबाब कर रहा था, वहां पर किसी ने मुझसे सवाल किया, तो एक मीडिया वाले ने सवाल किया साहब ये टूट गया है, तो मैंने कहा पैसे देके टूटा है, फिर भी हम उसे कुछ ना कुछ करेंगे। मैं बोला ऐसा एक प्रपोजल दिए थे कि 800 का जमीन है वो दे देंगे GSMC की, तो लोगों ने उसकी मुखालिफत सुने, लेकिन मस्जिद हटना नहीं चाहिए। मैं आज आपके सामने वायदा कर रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, वायदा कर रहा हूँ आज तेलंगाना बनने के बाद जैसा ब्रिज बनेगा ना, नीचे एक शानदार मस्जिद बनाकर हम देंगे।